आज का जो पैक है ना, ये ना आपके लिए चमत्कार है, चमत्कार भाई। ये बहुत अच्छा है, ये मल्टीटास्किंग पैक है। ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, झुर्रियां, कील मुहासे, काले दाग धब्बे, और स्पेशली सर्दियों के दिनों में जो त्वचा तो ड्राई हो जाती है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही धांसू है। पूरा वीडियो देख लो ध्यान से। इस पैक को बनाने के लिए हमने ले ली है खाली कटोरी। इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ फेनुग्रीक सीड्स जो होती हैं उनका पाउडर, यानी मेथी दाने का पाउडर। अब उसमें मिक्स करेंगे हम चुटकी भर नीम पाउडर। देखो वैसे तो मेरे चेहरे पे ड्राइनेस ज्यादा रहती है, ऑयली नहीं है, कील मुहासे नहीं है। जिनके चेहरे पे कील मुहासे ज्यादा है, त्वचा ज्यादा ड्राई रहती है, उन्होंने इसका कम से कम आधा चम्मच ऐड करना है। तीसरी चीज है जी मुलेठी। मुलेठी जो होती है ना, इसको खाने से आवाज बड़ी मधुर हो जाती है। सर्दियों के दिनों में वैसे भी आप महसूस करेंगे कि गला बड़ा खराब सा हो जाता है, तो मुलेठी थोड़ी चबा लिया करो, उससे गला साफ हो जाता है, आवाज मधुर होती है। और उसको ना पानी में गला के ओवरनाइट रख दो और उसका टोनर बना लो, अपने चेहरे पे लगाओ, रिंकल्स, फाइन लाइन, चेहरे की झुर्रियां सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने इसमें आधा सा चम्मच मिक्स करना है मुलेठी पाउडर। एक्चुअली सर्दियों के दिनों में त्वचा ड्राई होने के साथ साथ तैन ज्यादा हो जाती है। हाथ खड़ा करके बताओ कि किस किस को ऐसा लगता है ना। अच्छा जी, अब हमने इसमें मिक्स करना है ऑयल। फेशियल ऑयल कोई भी आप मिक्स कर सकते हैं, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। मैंने यहाँ बादाम का तेल ऐड किया है। अब हमने क्या करना है, इसको पतला करने के लिए आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज वाटर की जो खुशबू होती है ना, ये मुझे बड़ी सही लगती है, बहुत फ्रेश फील आता है मुझे एकदम से। अभी हमने इसको रोज वाटर से कर लिया है पतला, और तेल मैंने गिरा दिया है यहाँ, सॉरी। तो और रोज वाटर इसमें मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है। लो जी, पैक हो गया है रेडी हमारा। अब हमने इसको लगा लेना है अपने पूरे चेहरे पे दोस्तों। अच्छा, ये पैक ना आप थोड़ा सा चिकना होता है, चिकना पैक है ये, चिकना। तो आपने उसको उसी समय लगाना है जब आपने इसको मिक्स किया है। अगर आप इसको बना के रखेंगे तो इसको दोबारा से आपको पतला करना पड़ेगा दोस्तों। अब आपने क्या करना है, इसको अपने पूरे चेहरे पे लगा लेना है इस तरह से। ये आपकी त्वचा को मतलब एकदम सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, और साथ ही साथ फाइन लाइंस, काले दाग धब्बे, उन पे भी काम करेगा। इसको आप मोटी पतली जैसी भी लेयर लगाना चाहें आप लगाएं, बस कोशिश करें कि जब आपने इसको उतारना है तो एकदम पूरा ड्राई ना होने दें, बहुत टाइट हो जाता है ये। मतलब जिनके चेहरे पे फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत ज्यादा हैं, उनको तो ये रेगुलर तौर पे लगाना ही चाहिए। मेरे यहाँ थोड़ी सी स्माइल लाइंस आ गई हैं, तो मैं इसको यहाँ लगा लेती हूँ। ज्यादा माथे पे चिंता के निशान भी हैं मेरे तो वहां भी हम लगा लेते हैं इसको। ओहो, कपड़े क्यों गंदे हो रहे हैं यार, अभी तो ड्रेस चेंज किया है मैंने, नया सूट पहना है एम्ब्रॉयडरी वाला। मत करो यार प्लीज। तो ये देखिए, ये हमने धीरे धीरे से पूरे चेहरे पे लगा लिया है। अब मैं 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही लगा रहने दूंगी और फिर हम वॉश करेंगे। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए, आपने इसको रेगुलर तौर पे लगाना है। कम से कम 3-4 महीने जब आप इसको लगाएंगे ना, तब मिलेंगे आपको अच्छे रिजल्ट। ऐसे एक आध बार लगा लिया और रिजल्ट नहीं मिला, लड़ने आ गए कमेंट सेक्शन में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो इसको जब 15 मिनट के बाद मैंने वॉश किया तो इस तरह का रिजल्ट मिला। आपने इसको वॉश करने के बाद अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। अब लगातार इसको ट्राई कीजिए, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार, फिर देखिए क्या गजब के रिजल्ट मिलते हैं। बाय बाय।